फर्स्ट चैप्टर इज इन द फॉर्म ऑफ अ प्ले, तो हमें कुछ कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे और वो कैरेक्टर्स डायलॉग्स प्रेजेंट करेंगे। तो किस चीज के बारे में ये प्ले है? ये प्ले है एक बुक के बारे में, एक ऐसी बुक जिसने अर्थ को बचाया। किससे बचाया? एक मार्शियन अटैक से। मार्शियन अटैक यानी कि मार्स पे रहने वाले लोग, जिन्हें हम एलियंस भी कहते हैं, उन्होंने एक बार अर्थ पर अटैक किया। और कैसे? मदर गूस टेल्स नाम की बुक ने अर्थ को इन मार्शियंस से बचाया। ये चीज हम इस प्ले में पढ़ेंगे। अब ये जो प्ले है, इसकी जो सेटिंग है वो है 25th century में। एट प्रेजेंट वी आर लिविंग इन द 21st century। तो ये जो प्ले है ये एक फ्यूचरिस्टिक प्ले है, एक फ्यूचर के इंसिडेंट को झलका रहा है। फ्यूचर में क्या होता है, एक हिस्टोरियन है और वो पास्ट के बारे में बताती है। वो बताती है कि एक बार ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था कि मार्स से एलियंस ने अर्थ पर अटैक किया था, और जब उन्होंने ये बुक पढ़ी, इस बुक में उन्होंने ऐसी पोएम्स पढ़ी जिनसे वो डर गए और वो अर्थ छोड़कर चले गए। सो लेट अस बिगिन विद द चैप्टर। वील रीड द प्ले, आई डिस्कस द डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स एंड द डायलॉग्स विद यू। और सबसे पहले हमारे पास इस प्ले में आएंगे कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स यानी कि पात्र, जो भी डायलॉग्स बोलेंगे वो कौन कौन है। एक तो है हिस्टोरियन, देन देयर इज ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, द नेक्स्ट कैरेक्टर इज अप्रेंटिस नूडल, कैप्टन ओमेगा, ल्यूटेनेंट आयोटा, सर्जेंट ऊप एंड एन ऑफ स्टेज वॉइस। ऑफ स्टेज वॉइस मीन्स आपको स्टेज पे कोई कैरेक्टर नहीं दिख रहा लेकिन उसकी आवाज पीछे से बैकग्राउंड में सुनाई दे रही है। दिस कैन बी लाइक दी वॉइस ऑफ अ नरेटर ऑल्सो, या सूत्रधार जिसे हम कहते हैं, जो कि बीच बीच में हो सकता है किसी के दिल में क्या चल रहा है ऐसी बातें बोलता है। अब यहाँ पर जितने भी कैरेक्टर्स हैं, इनमें से हिस्टोरियन तो एक ह्यूमन बींग है, बाकी सारे कैरेक्टर्स मार्शियंस हैं, यानी कि मार्स पे रहने वाले हैं, और जिनके बारे में हमें ये हिस्टोरियन बताएगी कि कैसे ये मार्शियंस ने एक बार अर्थ पर अटैक किया था और जब उन्होंने एक बुक पढ़ी तो वो डर गए और अर्थ छोड़कर चले गए। आगे बढ़ते हैं, सीन वन। नाउ दिस प्ले इज इन टू सीन्स, दो सीन्स हैं। तो सीन वन की सेटिंग क्या है? टाइम है द 25th century, 25वीं शताब्दी में ये प्ले सेट है, यानी कि ये एक फ्यूचरिस्टिक प्ले है। प्लेस क्या है? द म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th century ऑन द प्लैनेट अर्थ। प्लेस यानी कि ये जो सीन वन है, इसकी सेटिंग कहां पर हुई है? एक म्यूजियम में। म्यूजियम है एंशियंट हिस्ट्री का म्यूजियम, और किस डिपार्टमेंट का म्यूजियम है? 20th century ऑन द प्लैनेट अर्थ, यानी कि इस डिपार्टमेंट में अर्थ के ऊपर जो हैपनिंग्स हुई थी 20th century में, उनके बारे में बताया जाता है। अब इस सीन में बिफोर राइज, यानी कि कर्टन खुलने से पहले, आप क्या देख रहे हैं? सामने क्या है? स्पॉटलाइट है। इट शाइन्स ऑन अ हिस्टोरियन हु इज सिटिंग ऑन अ टेबल डाउन राइट ऑन विच इज अ मूवी प्रोजेक्टर। अ साइन ऑन एन ईजल बिसाइड हर रीड्स म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ द 20th century। शी स्टैंड्स एंड बाउस टू द ऑडियंस। अब कर्टन खुलने से पहले हमारे पास क्या सीन है? एक स्पॉटलाइट है। स्पॉटलाइट क्या होती है? एक ऐसी लाइट जो कि बाकी पूरे एरिया में अंधेरा कर देती है और एक पर्टिकुलर स्पॉट के ऊपर लाइट डालती है उसे हाईलाइट करने के लिए। तो ऐसे ही एक स्पॉटलाइट है, और वो एक हिस्टोरियन, एक ऐसी लेडी जो कि हिस्ट्री के बारे में बहुत नॉलेज रखती है और उसे डिस्कस करती है, उसे हिस्टोरियन कहते हैं। तो ये स्पॉटलाइट एक हिस्टोरियन पर है जो कि एक टेबल पर बैठी हुई है, और उसके साथ ही एक मूवी प्रोजेक्टर रखा हुआ है। साथ ही फर्श पर एक ईजल पड़ा हुआ है। ईजल क्या है? एक वुडन फ्रेम है, एक लकड़ी का फ्रेम है जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ द 20th century। तो यही सेटिंग आप यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से है। ये वो हिस्टोरियन है जो कि एक टेबल पर बैठी हुई है, इसके पास एक मूवी प्रोजेक्टर भी पड़ा है जो कि आप यहाँ नहीं देख सकते, ऊपर से स्पॉटलाइट पड़ रही है, और ये है ईजल, द वुडन फ्रेम जिसके ऊपर लिखा हुआ है म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ द 20th century। नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर। हिस्टोरियन सेज, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री एंड टू माय डिपार्टमेंट, क्यूरियोसिटीज ऑफ द गुड ओल्ड फार ऑफ 20th century।
अब हिस्टोरियन अपनी स्पीच शुरू कर देती है, वो सारी ऑडियंस को गुड आफ्टरनून विश करती है और अपने म्यूजियम में, अपने डिपार्टमेंट में सबका स्वागत करती है और वो कहती है कि मेरा डिपार्टमेंट 20वीं सेंचुरी जो कि बहुत पुरानी थी उसके अच्छे दिनों के बारे में जितने भी लोगों को क्यूरियोसिटीज हैं, जिज्ञासाएं हैं, क्वेश्चंस हैं, उनका आंसर देती है। आगे वो क्या कहती है, द 20th सेंचुरी वॉज ऑफ्टन कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक। In those days, there were books about everything, from anteaters to Zulus. Now, anteaters are mammals that feed on ants and termites, and they have a large snout and a sticky tongue. Anteaters ऐसे mammals होते हैं जो कि ants, कीड़े मकोड़े, termites खाते हैं और उनकी मोटी सी चिपचिपी सी जीभ होती है, जैसे कि frogs भी होते हैं. Although frogs mammals नहीं हैं, पर जैसे उनकी भी स्टिकी सी टंग होती है, ऐसे ही कुछ तरह के मैमल्स होते हैं जिन्हें एंटीटर्स कहा जाता है। एंड जुलूस आर अ ट्राइबल ग्रुप इनहैबिटिंग साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में रहने वाले एक ट्राइबल ग्रुप का नाम है जुलूस। तो ये हिस्टोरियन कहती है कि जो 20वीं शताब्दी थी, 20th सेंचुरी, तब बुक्स का जमाना था, तब हर चीज पर बुक्स मिलती थी। इससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हिस्टोरियन है ये 25वीं सेंचुरी में रहती है, 25th सेंचुरी में, तो फ्यूचर में यानी कि 25th सेंचुरी में बुक्स एग्जिस्ट नहीं करेंगी। तभी वो ऐसे कह रही है कि 20वीं शताब्दी में बुक्स हुआ करती थी। वी कैन कॉल इट द एरा ऑफ बुक्स। एरा मींस द टाइम, अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो वो ये कहना चाहती है कि उस जमाने में किताबें हुआ करती थी हर टॉपिक पे, एंट ईटर से लेकर जुलूस तक हर टॉपिक पे आपको एक बुक मिल सकती थी। बुक्स टॉट पीपल हाउ टू एंड व्हेन टू एंड वेयर टू एंड व्हाई टू। फर्दर वो कहती है कि बुक्स एक मेजर सोर्स थी लोगों को एजुकेट करने का। बुक्स में आपको हर तरह की नॉलेज मिलती थी, कोई काम कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है और क्यों करना है, हर तरह के सवाल का जवाब आपको बुक से मिलता था। They illustrated, educated, punctuated and even decorated. But the strangest thing a book ever did was to save the earth. Further, वो add करती है कि books illustrate करती थी, यानी कि detail में किसी भी चीज की जानकारी देती थी, लोगों को educate करती थी, knowledge देती थी, punctuate करती थी, यानी कि discipline सिखाती थी और सजावट के काम भी आती थी। लोग books को अपने घर में सजाते थे ये show करने के लिए कि उन्हें बुक्स पढ़ने का शौक है, वो बुक्स पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी हैबिट माना जाता था। लेकिन एक बहुत ही अजीब चीज जो बुक्स ने की थी वो क्या थी, बुक्स ने अर्थ को बचाया था। किससे बचाया था, जैसे कि मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूं, एक मार्शियन अटैक से। यू हैवंट हर्ड अबाउट द मार्शियन इन्वेजन ऑफ 2040। What do they teach children nowadays? Martian means people from Mars. Mars पे रहने वाले लोग या Mars पे मिलने वाली चीजें, उन्हें हम Martian कह सकते हैं। तो अब ये historian अपनी audience को बताती है कि आपने से किसी ने भी 2040 में होने वाली Martian invasion के बारे में नहीं सुना होगा। और फिर वो कहती है, ts, ts, ये क्या है? ये एक expression है। वो अपनी सैडनेस या डिसअपॉइंटमेंट शो कर रही है और वो कहती है कि अब तो स्कूल में आजकल बच्चों को कुछ भी नहीं पढ़ाते। तो मैं आप सबका ध्यान इस तरफ डालना चाहूंगी कि एट प्रेजेंट वी ऑल आर लिविंग इन द ईयर 2019 एंड ये जो स्टोरी है, ये जो प्ले है, ये सेटिंग है 25th सेंचुरी की। और ये जो हिस्टोरियन है ये क्या कह रही है कि 2040 में एक मार्शियन इन्वेजन हुई थी, यानी कि हम कह सकते हैं आज से कुछ 21 साल बाद अर्थ पर मार्शियन अटैक होगा। और उसी मार्शियन अटैक के बारे में ये हिस्टोरियन फ्यूचर में जाके बता रही है कि एक बार ऐसा मार्शियन अटैक हुआ था और एक बुक ने ही अर्थ को सेव किया था। वेल यू नो द इन्वेजन नेवर रियली हैपेंड बिकॉज अ सिंगल बुक स्टॉप्ड इट। तो फर्दर हिस्टोरियन कहती है कि ये जो मार्शियन इन्वेजन था, ये जो अटैक था, ये कभी हुआ ही नहीं क्योंकि एक बुक ने मार्स से आने वाले लोगों को, एलियंस को रोक दिया। कैसे उसने रोका, आइए देखते हैं। देन शी सेज व्हाट वाज द बुक यू आस्क, अ नोबल एनसाइक्लोपीडिया
इंसाइक्लोपीडिया इज अ रेफरेंस बुक, एक ऐसी किताब जिसमें किसी भी चीज के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में दिया जाता है, डिटेल में इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो वो हिस्टोरियन अपनी ऑडियंस से कहती है कि आप सब क्यूरियस होंगे जानने के लिए कि किस तरह की बुक थी जिसने एक मार्शियन इन्वेजन को रोक दिया, और फिर वो जवाब देती है अ नोबल एनसाइक्लोपीडिया। आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि एक बहुत ही अच्छी, नोबल मीन्स काइंड, एक बहुत ही अच्छी, एक बहुत ही दरिया दिल एनसाइक्लोपीडिया ही होगी, एक रेफरेंस बुक जिसने कि ऐसा अटैक रोक दिया। इंसाइक्लोपीडिया को एक बहुत ही अच्छी किताब माना जाता है, और जो भी बुक्स पढ़ते हैं उनके मन में होता है कि इंसाइक्लोपीडिया आपको बहुत ही डिटेल में इंफॉर्मेशन और नॉलेज देती है, बहुत ही इलस्ट्रेटेड होती है, उसमें अच्छी अच्छी इमेजेस भी होती हैं। तो सब लोग यही सोचेंगे ना कि एक इंसाइक्लोपीडिया ही हो सकती है जो कि इतनी अच्छी किताब है जिसने एक मार्शियन इन्वेजन को रोक दिया। फिर वो कहती है अ टूम अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल्स, अ सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस। नो, इट वॉज नन ऑफ दोस। टूम मीन्स अ बुक, अ वेरी बिग बुक विच इज लार्ज एंड हैवी लाइक अ स्कॉलरली बुक, ऐसी बुक जो कि स्कॉलर्स पढ़ते हैं, बहुत ही लार्ज, बहुत ही मोटी, जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो। तो फर्दर वो हिस्टोरियन ऐड करती है कि आप ये सोच रहे होंगे कि अगर इंसाइक्लोपीडिया नहीं थी तो एक बहुत ही मोटी सी स्कॉलरली बुक होगी जिसमें रॉकेट्स और मिसाइल्स की इंफॉर्मेशन दी गई है, या फिर कोई सीक्रेट बुक होगी जिसमें आउटर स्पेस के बारे में लिखा गया है। लेकिन ऐसी कोई भी किताब नहीं थी जिसने मार्शियन इन्वेजन को रोका। फिर वो ऐड करती है इट वॉज बट हियर लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोरोस्कोप एंड शो यू What happened many centuries ago in 2040? वो हिस्टोरियन इस राज को उनके सामने नहीं खोलती। She does not disclose that which book it was which stopped the Martian invasion. वो कहती है कि अब मैं हिस्टोरिस्कोप ऑन करूंगी। हिस्टोरिस्कोप इज अ डिवाइस विच शोज द हिस्टोरिकल फैक्ट्स। एक ऐसा डिवाइस जिसे जब वो ऑन कर देगी तो लोगों को पास्ट के बारे में जो हुई घटनाएं थी उनके बारे में पता चलेगा। तो वो कहती है कि अब मैं हिस्टोरिस्कोप ऑन कर देती हूँ और आप ही को हिस्टोरिस्कोप द्वारा ये पता लगेगा कि इतनी सेंचुरीज पहले 2040 में क्या हुआ था और वो कौन सी किताब थी जिसने इस मार्शियन इन्वेजन को रोका था। शी टर्न्स ऑन द प्रोजेक्टर एंड पॉइंट्स इट लेफ्ट, स्पॉटलाइट ऑन हिस्टोरियन गोज आउट एंड कम्स अप डाउन लेफ्ट ऑन थिंक टैंक हु इज सीटेड ऑन अ रेस्ड बॉक्स आर्म्स फोल्डेड। अब ये हिस्टोरियन अपना प्रोजेक्टर ऑन कर देती है और लोगों को उस तरफ इशारा करती है कि अब आप स्क्रीन की तरफ देखिए। हिस्टोरियन की स्पॉटलाइट बंद हो जाती है और ये स्पॉटलाइट प्रोजेक्टर की स्क्रीन पर पड़ती है और वहां पर लोग क्या देखते हैं, थिंक टैंक को। थिंक टैंक एक कैरेक्टर है, ये एक मार्शियन है, मार्स पे रहने वाला है और ये अपनी टीम का लीडर है। ये एक बड़े से डब्बे के ऊपर बैठा होता है आर्म्स फोल्ड करके। तो यहां पर आप देख सकते हैं दिस इज अ प्रोजेक्टर एंड द स्क्रीन इज शोइंग अ कैरेक्टर हुज नेम इज थिंक टैंक। ही हैज अ ह्यूज एग शेप्ड हेड एंड ही वेयर्स अ लॉन्ग रोब डेकोरेटेड विद स्टार्स एंड सर्कल्स। रोब इज अ गाउन। अब यहां पर हम थिंक टैंक की डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। थिंक टैंक देखने में कैसा है, इसका एक बहुत ही बड़ा अंडे जैसा सिर है जैसे कि हम्प्टी डम्प्टी का हुआ करता था, और इसने एक बहुत ही बड़ा लंबा सा गाउन पहना हुआ है जिसके ऊपर स्टार्स और सर्कल्स की शेप्स बनी हुई हैं। अप्रेंटिस नूडल स्टैंड्स बिसाइड हिम एट एन इलैबोरेट स्विच बोर्ड। अप्रेंटिस मीन्स अ ट्रेनी, एक ऐसा इंसान जो कि अभी काम सीख रहा होता है, एंड इलैबोरेट मीन्स कॉम्प्लेक्स एंड डिटेल्ड। थिंक टैंक के साथ एक और मार्शियन खड़ा होता है जिसका नाम है नूडल। नूडल एक ट्रेनी है, एक अप्रेंटिस है, वो अभी काम सीख रहा है, वो यहाँ पर नया नया इंडक्ट हुआ है और उनके सामने बहुत ही डिटेल्ड सा स्विच बोर्ड पड़ा हुआ है। स्विच बोर्ड इज सच सॉर्ट ऑफ अ बोर्ड जिसके ऊपर अलग अलग स्विचेस लगे होते हैं। A sign on an easel reads, Mars Space Control, Great and Mighty Think Tank, Commander-in-Chief, Bow Low Before Entering. अब वहां पर ही एक easel यानी कि एक और wooden frame पड़ा हुआ है और उस wooden frame पे लिखा है Mars Space Control. तो ये जो लोग हैं ये Mars Space Control की टीम के members हैं और वहीं पे लिखा है Great and Mighty Think Tank, Commander-in-Chief.
तो ये थिंक टैंक है, ये कमांडर इन चीफ है मार्स स्पेस कंट्रोल का, और इसके नाम के आगे ग्रेट एंड माइटी लिखा गया है क्योंकि ये बहुत ही महान और ताकतवर है, और साथ ही साथ नीचे लिखा गया है कि अंदर आने से पहले आगे की तरफ झुको इसे विश करने के लिए, बिकॉज थिंक टैंक एक बहुत ही महान मार्शियन है. नूडल सेज बाउइंग, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रीचर इन द होल यूनिवर्स, व्हाट आर योर ऑर्डर्स. अब नूडल जब कमरे में एंटर होता है वो आगे की तरफ झुक जाता है और थिंक टैंक को एड्रेस करता है, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रीचर इन द होल यूनिवर्स, और फिर वो उससे उसके ऑर्डर्स मांगता है. अब जब नूडल थिंक टैंक को ऐसे एड्रेस कर रहा है तो हमें उससे क्या पता लगता है कि थिंक टैंक बहुत ही ईगोइस्ट है, उसमें यह घमंड भरा हुआ है कि वो बहुत ही महान है, वो बहुत ही ग्रेट है, इसीलिए उसके जितने भी जूनियर्स हैं वो उसे इस तरह से एड्रेस करते हैं, विश करते हैं. थिंक टैंक सेज पीविशली, यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माय सैल्यूटेशन अप्रेंटिस नूडल, गो ओवर द होल थिंग अगेन. पीविशली मीन्स इरिटेबली एंड सैल्यूटेशन मीन्स ग्रीटिंग, मुझे विश करना. अब ये थिंक टैंक नूडल की विश से सेटिस्फाइड नहीं है, वो इरिटेट हो जाता है और कहता है कि तुमने मुझे ग्रीट करते वक्त कुछ सैल्यूटेशन मिस कर दी, यानी कि तुमने पूरा का पूरा डिटेल्ड सैल्यूटेशन नहीं बोला, और वो उसे कहता है कि एक बार फिर से मुझे ग्रीट करो. तो कितना ज्यादा घमंड और कितना ज्यादा ईगो है थिंक टैंक में कि नूडल ने अभी तो उसकी कितनी प्रशंसा की थी, उसे द मोस्ट पावरफुल इन द होल यूनिवर्स भी कहा था, लेकिन वो अभी भी सैटिस्फाइड नहीं है और वो नूडल को कहता है कि एक बार फिर से मुझे विश करो. नूडल सेज इट शैल बी डन सर इन अ सिंग सॉन्ग, तो नूडल गाना गाते हुए कहता है इट शैल बी डन सर, यानी कि मैं दोबारा से आपको विश करूंगा, और वो एक बार फिर से थिंक टैंक को विश करता है. वो कहता है ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, रूलर ऑफ मार्स एंड द टू मून्स, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रीचर इन द होल यूनिवर्स, व्हाट आर योर ऑर्डर्स. अब बेचारे की सांस फूल जाती है क्योंकि उसे इतना लंबा विश करना पड़ता है थिंक टैंक को. वो उसे कहता है कि तुम बहुत ही महान हो, पावरफुल हो, मार्स के रूलर हो, उसके मून्स के रूलर हो, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रीचर इन द होल यूनिवर्स हो, और फिर वो उससे पूछता है व्हाट आर योर ऑर्डर्स. बेचारे का सांस फूल जाता है. थिंक टैंक रिप्लाइज दैट्स बेटर नूडल, I wish to be placed in communication with a manned space probe to that ridiculous little planet we are going to put under our generous rulership. What do they call it again? अब थिंक टैंक नूडल को कहता है कि हाँ, अब जिस तरह से तुमने मुझे विश किया है वो ठीक है. फिर वो उसे कहता है कि जो हमारी manned space probe है, manned space probe means, manned means जिसमें man भी हो, यानी कि इंसान हो. स्पेस मीन्स अंतरिक्ष, किसी भी प्लैनेट के जो एटमॉस्फेयर है उसे जब हम बाहर चले जाते हैं तब हम स्पेस में पहुंच जाते हैं. एंड प्रोब मीन्स टू इन्वेस्टिगेट, और यहां पर मैन्ड स्पेस प्रोब मीन्स अ सैटेलाइट विच इज गोइंग टू अनदर प्लैनेट टू इन्वेस्टिगेट दैट प्लेस. रिडिक्युलस मीन्स समथिंग विच इज वेरी फनी एंड अनरीजनेबल, और जिस पर हंसा जा सके, जिसका मजाक उड़ा जा सके. जेनरस मीन्स वेरी लार्ज, वेरी काइंड हार्टेड, ओपन हार्टेड. एंड रूलरशिप मीन्स किसी पे राज करना. तो यहाँ पर थिंक टैंक नूडल को कहता है कि जो हमारी सैटेलाइट, उस पता नहीं क्या नाम है उस प्लैनेट का जिसे प्रोब या इन्वेस्टिगेट करने के लिए जा रही है, और जब वो हमारी दरिया दिल रूलरशिप का हिस्सा बन जाएगी तो बेचारे प्लैनेट का भी उद्धार हो जाएगा. तो मुझे अपनी उस सैटेलाइट से कम्युनिकेट करना है, बात करना है, तो तुम मेरा कम्युनिकेशन चालू कर दो. नूडल रिप्लाइज अर्थ योर इंटेलिजेंस, तो नूडल उसे बताता है कि उस प्लैनेट का नाम है अर्थ, जिस पर राज करने के लिए, जिसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमारी स्पेसशिप गई हुई है. थिंक टैंक सेज अर्थ ऑफ कोर्स, You see how insignificant the place is. But first, something important. My mirror. I wish to consult my mirror. Insignificant means not important. कोई चीज जो कि बिल्कुल भी महत्व नहीं रखती. Think Tank कहता है हाँ हाँ, उस planet का नाम Earth ही है.
फिर वो कहता है कि इतनी इनसिग्निफिकेंट है वो जगह, वो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और फिर वो कहता है कि मेरा मिरर मुझे दो, मैं पहले अपने मिरर को कंसल्ट करना चाहता हूँ, यानी कि उसकी राय लेना चाहता हूँ। ऑब्वियसली वो अपनी लुक्स देखना चाहता है कि क्या वो दिखने में ठीक लग रहा है, इसलिए वो अपना मिरर मंगवाता है। नूडल सेज इट शैल बी डन सर, ही हैंड्स थिंक टैंक अ मिरर। तो नूडल थिंक टैंक को कहता है कि हाँ मैं आपके लिए मिरर ला रहा हूं, और वो थिंक टैंक को एक मिरर दे देता है। थिंक टैंक सेज मिरर मिरर इन माय हैंड, हु इज द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड। अब अगर आप सबने स्नो वाइट की कहानी पढ़ी होगी तो स्नो वाइट की जो मदर थी, जो रानी थी, वो भी ऐसे ही करती थी। वो हर बार मिरर से पूछती थी, मिरर मिरर ऑन द वॉल हु इज द फेयरेस्ट वन ऑफ ऑल। और अगर वो मिरर उस रानी के अलावा किसी और का नाम ले लेता था, जैसे कि स्नो वाइट का, तो वो रानी बहुत ज्यादा गुस्से हो जाती थी और वो षड्यंत्र रचती थी स्नो वाइट को मारने का। ऐसे ही थिंक टैंक भी है, उसे भी ये लगता है कि वो पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड है, यानी कि उसमें बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस भरी हुई है। और इसी चीज को कंफर्म करने के लिए वो भी अपने मिरर से पूछता है कि इस पूरे लैंड पर सबसे ज्यादा फैंटास्टिकली अमेजिंगली इंटेलिजेंटली गिफ्टेड कौन है, कौन सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। एंड एन ऑफ स्टेज वॉइस रिप्लाइज आफ्टर अ पॉज, यू सर। तो अब हम मिरर को तो नहीं देख सकते, ना ही मिरर को बोलता हुआ देख सकते हैं, तो बैकग्राउंड में ऑफ स्टेज यानी कि कोई कैरेक्टर नहीं खड़ा हुआ जो बोल रहा है, लेकिन पीछे से एक आवाज आती है एक पॉज के बाद, एक स्टॉप के बाद, और वो आवाज कहती है यू सर, यानी कि वो थिंक टैंक को कहती है कि आप ही इस लैंड में सबसे ज्यादा फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड हैं। थिंक टैंक सेज स्मैकिंग द मिरर, क्विकर आंसर, क्विकर नेक्स्ट टाइम, आई हेट अ स्लो मिरर। ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर, आह देयर आई एम, आर वी मार्शियंस नॉट अ हैंडसम रेस। अब थिंक टैंक मिरर को स्मैक करता है, यानी कि किस करता है। वो बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि मिरर ने उसका नाम लिया है, और वो उसे कहता है कि अगली बार फटाफट से जवाब देना, बीच में रुकना मत, मुझे धीरे मिरर्स नहीं पसंद। यानी कि तुमने थोड़ा टाइम लगाया था मुझे जवाब देने में, लेकिन मुझे क्विक आंसर चाहिए। फिर वो अपने आप को मिरर में देखता है, एडमायर करता है, और फिर वो कहता है आह मैं दिखने में कितना अच्छा हूं। और फिर वो कहता है कि क्या हम मार्शियंस यानी कि मार्स के लोग हैंडसम नहीं है, दिखने में अच्छे नहीं है। सो मच मोर अट्रैक्टिव देन दोज अगली अर्थलिंग्स विद देयर टाइनी हेड्स। फिर वो कहता है कि हम अर्थ पे रहने वाले लोगों से, अर्थलिंग मींस दोज पीपल दैट इज द ह्यूमंस हु इनहैबिट द अर्थ, धरती पे रहने वाले लोग। फिर वो कहता है कि हम धरती पे रहने वाले लोगों से बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हैं, उनसे कंपैरेटिवली दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर है, क्योंकि धरती पे रहने वाले लोगों के सिर बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो हमने सबने शुरू में देखा था कि थिंक टैंक का जो सिर है वो बहुत ही बड़ा है, एग की शेप में है, तो ये ह्यूमन बींग्स के सिर से बहुत ज्यादा बड़ा है, और इसलिए वो कहता है कि हम लोग दिखने में बहुत अट्रैक्टिव हैं, हमारे बड़े बड़े सिर हैं। फिर वो कहता है नूडल You keep on exercising your mind and someday you'll have a balloon brain just like mine. तो थिंक टैंक नूडल को कहता है कि तुम भी अपनी दिमाग की कसरत करते रहा करो, तभी एक दिन तुम्हारा दिमाग भी मेरे जितना बड़ा हो जाएगा और एक बलून ब्रेन बन जाएगा। तो थिंक टैंक अपने सिर को क्या कहता है? बलून ब्रेन। नूडल replies, Oh, I hope so, mighty think tank, I hope so. नूडल थिंक टैंक को कहता है कि हाँ मैं आशा करता हूं कि एक दिन मेरे पास भी एक बलून ब्रेन होगा आपकी तरह। थिंक टैंक सेज नाउ कॉन्टैक्ट द स्पेस प्रोब, आई वॉन्ट टू इन्वेड दैट प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड कॉल्ड अर्थ बिफोर लंच। प्रिमिटिव मीन्स एंशियंट, बहुत पुराना, एंड इन्वेड मीन्स किसी चीज को अटैक करके उस पर कब्जा कर लेना। थिंक टैंक नूडल को कहता है कि जो हमारा मार्शियन प्रोब, स्पेस प्रोब, जो स्पेस सैटेलाइट है अर्थ पर जा रहा है, उसे कॉन्टैक्ट करो, क्योंकि मैं उस पुरानी सी मिट्टी की बनी हुई गोल बॉल को, जिसे हम अर्थ कहते हैं,
लंच से पहले पहले अटैक करके उस पर कब्जा करना चाहता हूं। नूडल रिप्लाइज, इट शैल बी डन सर। ही एडजस्ट्स द लीवर्स ऑन द स्विच बोर्ड। इलेक्ट्रॉनिक बजेस एंड बीप्स आर हर्ड एज द कर्टन्स ओपन। अब नूडल कहता है कि हाँ आपका ऑर्डर पूरा हो जाएगा, फिर वो स्विच बोर्ड के ऊपर जो लगा हुआ लीवर है उसे एडजस्ट करता है आगे पीछे और अलग अलग बजिंग और बीप्स की आवाजें सुनाई देती हैं और तभी कर्टन खुलता है। कर्टन खुलता है तो सामने सीन किसका होगा? उस सैटेलाइट का जो कि स्पेस में घूमती हुई धरती की तरफ अटैक करने के लिए जा रही है। दिस इज सीन टू। द टाइम इज अ फ्यू सेकेंड्स लेटर, यानी कि थोड़ी देर के बाद जब थिंक टैंक नूडल को ऑर्डर दे देता है कि उस स्पेस प्रोब को कॉन्टैक्ट करो, तो अब ये जो सीन है ये उस स्पेस प्रोब सैटेलाइट का है। प्लेस इज मास स्पेस कंट्रोल एंड द सेंटरविल पब्लिक लाइब्रेरी। ये जो सेंटरविल पब्लिक लाइब्रेरी है ये अर्थ पे लोकेटेड है और यहां पर लैंड करके ये जो मार्स प्रोब के मार्शियंस हैं वो कुछ ढूंढने के लिए अंदर चले गए हैं। तो एक तरफ है मार्स स्पेस कंट्रोल जहां पर थिंक टैंक और नूडल है और दूसरी तरफ है सेंटरविल पब्लिक लाइब्रेरी जहां पर कुछ मार्शियंस जो कि अपनी सैटेलाइट से उतर कर चले गए हैं। एट राइस, कैप्टन ओमेगा स्टैंड्स एट सेंटर ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटलॉग ड्रॉज इन अ कंफ्यूज फैशन। लेफ्टिनेंट आयोटा इज अप लेफ्ट काउंटिंग बुक्स इन अ बुककेस। अब ये जो सारे मार्शियंस हैं जो इस सैटेलाइट में थे वो एक लाइब्रेरी में पहुंच गए हैं। कैटलॉग इज अ लिस्ट, एक ऐसी किताब का पन्ना जिसमें डिटेल में लिस्ट दी जाती है हर चीज की। तो जैसे ही कर्टन खुलता है तो हम दो नए कैरेक्टर्स देख सकते हैं, उनमें एक है कैप्टन ओमेगा और एक है लेफ्टिनेंट आयोटा। ये दोनों इस लाइब्रेरी में घुसे हुए हैं। कैप्टन ओमेगा क्या कर रहा है, एक बड़े से ड्रॉर को खोलकर खड़ा हुआ है और उसमें बहुत सारी कैटलॉग्स हैं और उन्हें खोल रहा है, बंद कर रहा है और थोड़ा कंफ्यूज्ड है। लेफ्टिनेंट आयोटा उसके लेफ्ट साइड पर खड़ी हुई है और वो एक बुक केस की बुक्स को गिन रही है। सर्जेंट ऊप इज एट राइट ओपनिंग एंड क्लोजिंग अ बुक, टर्निंग इट अपसाइड डाउन, शेकिंग इट एंड देन रिफलिंग द पेजेस एंड शेकिंग हिज हेड। राइट साइड पर एक और कैरेक्टर है, उसका नाम है सर्जेंट ऊप। वो एक बुक को पकड़कर उसके साथ फिडल कर रहा है। रिफलिंग मीन्स सर्चिंग, वो कभी उसे ऊपर करता है, कभी उल्टा देता है, पलटा देता है, उसके पेजेस को हिला डुला रहा है और फिर अपने सिर को हिलाने लग जाता है बिकॉज उसे ये नहीं पता कि ये जो बुक है ये क्या है। तो अब ये तीनों मार्शियंस इस लाइब्रेरी में हैं और वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि यहाँ पर जो पड़ी हुई बुक्स हैं ये क्या हैं, बिकॉज उन्हें नहीं पता कि ये क्या है और इनका क्या यूज है। तो अब हमें क्या पता चलता है कि जैसे ही ये मार्शियन स्पेस प्रोब धरती पर लैंड करता है ये मार्शियंस सेंटरविल पब्लिक लाइब्रेरी में घुस जाते हैं और वहां पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और बुक्स को देखकर कंफ्यूज्ड हैं, वो ये नहीं पता लगा पा रहे कि ये क्या है। नूडल सेज एडजस्टिंग द नॉब्स, आई हैव अ क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रू सर। अब नूडल अपने रिमोट कंट्रोल की नॉब्स को एडजस्ट करता है, बटन्स दबाता है और फिर थिंक टैंक को कहता है कि मैं स्पेस के क्रू को देख पा रहा हूं बहुत ही नजदीक से। स्पेस क्रू मींस वो लोग जो कि इस स्पेसशिप में बैठकर धरती पर आए हैं, जिनमें के तीन लोग हैं, उनके नाम क्या क्या हैं? कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा एंड सर्जेंट ऊप। थिंक टैंक पुट्स ऑन अ पेयर ऑफ इनॉर्मस गॉगल्स एंड टर्न्स टुवर्ड्स द स्टेज टू वॉच। दे सीम टू हैव एंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर। अब थिंक टैंक एक बहुत ही बड़ी बड़ी, इनॉर्मस मीन्स ह्यूज, थिंक टैंक एक बहुत ही बड़ी बड़ी गॉगल्स का पेयर पहन लेता है और स्पेस क्रू को देखने के लिए स्टेज की तरफ घूम जाता है और फिर वो देखकर कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि धरती पे बने हुए किसी स्ट्रक्चर, यहाँ पर वो स्ट्रक्चर क्या है, वो बिल्डिंग है, वो सेंटरविल पब्लिक लाइब्रेरी है। तो वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारा स्पेस क्रू एक अर्थ स्ट्रक्चर में घुस गया है। थिंक टैंक रिप्लाइज, एक्सेलेंट, मेक वॉइस कॉन्टैक्ट। थिंक टैंक कहता है कि बहुत ही अच्छी बात है
और फिर वो नूडल को ऑर्डर करता है कि हमारे स्पेस क्रू के साथ वॉइस कॉन्टैक्ट करो, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। नूडल सेज स्पीकिंग इन टू अ माइक्रोफोन, मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब वन। तो ये जो मार्शियन स्पेस प्रोब है, ये जो सैटेलाइट है, इसका नाम क्या है? प्रोब वन। तो नूडल अपने माइक्रोफोन में, अपने माइक में बोलता है, वो कहता है मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब वन, यानी कि हम मार्स स्पेस कंट्रोल से हैं और हम प्रोब वन के क्रू को बुला रहे हैं। मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब वन, कम इन कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशन। तो एक बार फिर से नूडल कहता है मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब वन, और फिर वो कैप्टन ओमेगा को कहता है कि अब आप बोलो, कम इन मीन्स स्पीक अप। तो कहता है कि बोलो और हमें अपनी लोकेशन के बारे में बताओ। ओमेगा रिप्लाइज स्पीकिंग इन टू अ डिस्क विच इज ऑन अ चेन अराउंड हर नेक, कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल। अब ओमेगा रिप्लाई करती है, उसके गले में एक चेन डली हुई है जिसके ऊपर एक डिस्क है जो कि एक माइक्रोफोन है, और वो जवाब देती है, वो कहती है कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल, यानी कि उनके बीच में वॉइस कॉन्टैक्ट स्थापित हो गया है, नूडल और ओमेगा आपस में बात कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट आयोटा सर्जेंट ऊप एंड आई हैव अराइव्ड ऑन अर्थ विदाउट इंसिडेंट। फर्दर ओमेगा कहती है लेफ्टिनेंट आयोटा सर्जेंट ऊप एंड आई हैव अराइव्ड ऑन अर्थ विदाउट इंसिडेंट, यानी कि विदाउट एनी एक्सीडेंट, विदाउट एनी हैपनिंग, हम बड़े आराम से धरती पर लैंड कर चुके हैं। फर्दर वो कहती है वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस स्क्वायर प्लेस, हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर लेफ्टिनेंट आयोटा। तो कमरे की तरफ इशारा करते हुए ओमेगा कहती है कि हमने इस स्क्वायर शेप की जगह में शेल्टर ली हुई है, हम यहां पर आकर रुक गए हैं। और फिर वो लेफ्टिनेंट आयोटा से पूछती है कि क्या आपको हल्का सा भी आइडिया है कि हम कहां पर हैं, यानी कि अभी ये तीनों कंफ्यूज हैं, इन्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि ये जो कमरा है जहां पर ये लोग रुके हुए हैं ये क्या है। आयोटा रिप्लाइज आई कांट फिगर इट आउट कैप्टन, होल्डिंग अप अ बुक आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दीज पिक्यूलियर आइटम्स, दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बार्न, व्हाट डू यू थिंक सर्जेंट ऊप। अब आयोटा ओमेगा को रिप्लाई देती है, वो कहती है कि मुझे भी नहीं पता कि ये जगह क्या है। फिर वो एक बुक को उठाकर ओमेगा को कहती है कि ये बहुत ही अजीब सी चीजें हैं, ऐसी 2000 से भी ज्यादा चीजें मैंने यहाँ पर गिन ली हैं, लेकिन मुझे नहीं पता चल रहा कि ये क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कमरा है ये इन चीजों को स्टोर करने की जगह है। और फिर वो सर्जेंट ऊप से पूछती है कि आपको क्या लगता है कि ये जगह क्या है। ऊप रिप्लाइज आई हैवंट अ क्लू, आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस, मे बी दे आर हैट्स। ही ओपन्स अ बुक एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड, से मे बी दिस इज अ हैबरडैशरी। गैलेक्सी क्या होती है? गैलेक्सी को हिंदी में आकाश गंगा कहते हैं, और इस यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, और ये कहा जाता है कि गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे हमारे जैसे सोलर सिस्टम्स हैं और बहुत सारे प्लैनेटरी सिस्टम्स भी हैं। तो ऊप कहता है कि मुझे भी नहीं पता, मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि ये कमरा क्या है। फिर वो ऐड करता है कि मैं 7 अलग अलग गैलेक्सीज में गया हूं लेकिन मैंने इस तरह की कोई भी चीज कहीं नहीं देखी। व्हाट इज अ हैबरडैशरी? अब यूनाइटेड किंगडम में हैबरडैशरी एक ऐसी शॉप होती है जहां पर छोटी छोटी जो चीजें होती हैं सिलाई के लिए जो यूज होती हैं, जैसे कि लेस, बटन्स, जिप, ऐसी चीजें सेल की जाती है। तो ऊप ये कहता है कि हो सकता है ये जो चीजें हैं ये हैट्स हैं, यानी कि सिर पे पहनने की चीज। और फिर वो एक बुक को उठा लेता है, उसे खोलता है और उसे अपने सिर पर रख लेता है। और फिर वो कहता है कि हो सकता है ये जो कमरा है ये एक हैबरडैशरी है, यहाँ पर ऐसी छोटी छोटी चीजें।